नियर्स एंड डियर्स ला फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम ला ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जा रही है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में, जो सेक्शन 8C ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के तहत ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। तो इसमें डिफरेंट पोजीशन है, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, इसमें जो है एलिजिबिलिटी वो एडवोकेट विद मिनिमम 7 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 10 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज एडवोकेट हाई कोर्ट विद वैलिड सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस, LLM होनी चाहिए, बार एट लॉ विल बी गिवन प्रेफरेंस। बार एट लॉ अगर किसी कैंडिडेट के पास है तो उसको तरजीह दी जाएगी। और जो ये मंथली फी और जो अलाउंस है ये आपके सामने है, टोटल जो है वो 5 लाख बनता है। और उसके अलावा अदर जो फैसिलिटीज हैं, ऑफिशियल टेलीफोन ऑफिस, मोबाइल टेलीफोन लिमिट, कार विद फ्यूल एज पर इंटाइटलमेंट, तो ये डिफरेंट जो है वो फैसिलिटीज हैं। और 65 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम आपकी जो भी हो 40 हो, 45 हो, जो भी हो। एंड सेकंड जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो एडवोकेट विद मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 10 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट विद वैलिड सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस LLM बार एट लॉ को जो है वो तरजीह दी जाएगी। और इसका भी टोटल जो अलाउंस और मंथली फी जो है वो 3,30,000 है, और उसके अलावा अदर फैसिलिटीज ये दी जाएगी। और इसकी जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट वो 65 है, सारों की 65 है, सिर्फ 1:30 की है लास्ट वाली। तो जो तीसरा नंबर है स्पेशल प्रोसिक्यूटर सुप्रीम कोर्ट, तो एटलीस्ट 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट विद वैलिड सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस LLM होनी चाहिए, बार एट लॉ को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो पोजीशन है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट विद ट्रांजेक्शन वर्क, लीगल कंसल्टेंसी, ओपिनियन राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल इंस्ट्रक्शंस, LLM होनी चाहिए, बार एट लॉ अगर किसी के पास है तो तरजीह दी जाएगी। मंथली फी और जो है टोटल नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस सारा मिला कर जो बनता है 2,10,000, 65 एज लिमिट मैक्सिमम है। देन जो है वो लास्ट है, ये जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए, जो न्यू एडवोकेट्स और लॉयर्स हैं उनके लिए ये खुशखबरी है। रिसर्च एसोसिएट लॉ, इसमें कोई भी तजुर्बा नहीं है एलिजिबिलिटी, सिंपली LLB ग्रेजुएट लॉ होनी चाहिए आपके पास। और इसकी जो फीस है टोटल जो है वो 75,000 है, 30 ईयर्स कम से कम एज रखी गई है। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स है, तो ये हिदायत जारी की गई है, एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये सारा कुछ जो है वो ऑन क्लोजिंग डेट तक होनी चाहिए, और सिर्फ ही सिर्फ 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। कैंडिडेट एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर है किसी के पास तो उसको तरजीह दी जाएगी। और इसके अलावा जो है वो कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। देन ड्यूअल फॉरन नेशनलिटी जो रखने वाला बंदा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। फाइनल जो सिलेक्शन है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के मद्देनजर होगी। देन जो है वो सिलेक्टेड लॉ ऑफिसर्स विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एट नेब HQ और एनी रीजनल ऑफिस ऑफ नेब, या तो नेब HQ या तो जो है वो किसी भी रीजनल ऑफिस जो ओवरऑल कंट्री है पाकिस्तान में, वहाँ कहीं भी जॉब करनी पड़ती है तो वो करनी होगी। प्राइवेट प्रैक्टिस शैल नॉट बी अलाउड टू द सिलेक्टेड लॉ ऑफिसर्स, जो सिलेक्ट होंगे जो बन जाएंगे वो उसके बाद बनने के बाद जो है वो प्राइवेट अपना बिजनेस नहीं कर सकते। द मंथली फीस टैक्सेबल एज पर फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रीफर इंटरव्यू स्टेशन शुड बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, जहां भी आप जाना चाहें, इंटरव्यू देना चाहें, कराची देना चाहें या और किसी भी, ये जो फॉर्म है एप्लीकेशन इसमें लिखा गया है टोटल जो सिटीज हैं कहीं भी आप दे सकते हैं। अगर कैंडिडेट एक से ज्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहता है तो हर किसी जो पोजीशन के लिए अलग अलग दरख्वास्त देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन ऑन गिवन फॉर्मेट विदाउट कॉपीज ऑफ एकेडमिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड रीच द अंडरसाइंड थ्रू पोस्ट बाय 30 September 2022 बिफोर क्लोजिंग आवर्स, तो 30 September से पहले आपको ये एप्लीकेशन भेजना है। ये फॉर्मेट दिया गया है, ये नेब की वेबसाइट पर मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के आप जो है वो भेज सकते हैं, ये एड्रेस गिवन है। तो इस पर 30 September से पहले आपको भेजनी है कंप्लीट फॉर्म फिल करके, और इसके साथ आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, वो आपके पास ही रखने हैं। जब इंटरव्यू होगा तो जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। तो डियर्स ये फॉर्म है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर मौजूद है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पर, और इसमें ये डिफरेंट सेंटर्स हैं, कहीं भी आप दिल चाहे जहाँ भी आप टेस्ट देना चाहें उसको टेक करें।